hi guys my name is jaspreet and in this video i am going to teach you about the writing module of ielts so writing is also one of the easiest module in ielts generally students can mind me question kya ghumta hai, like how they can good band scores in ielts writing how they can get 7 or 7 plus in writing so guys mapco it's not too tough for you to score 7 or 7 plus in writing so देखो जनरली uh, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन ऐड दी वेरिएशन इन टास्क वन स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं लाइक like, लिखते वो सिंपल हैं पर बोलते हैं कि हमने लिखा तो सारा है पर हमारे बैंड्स क्यों नहीं आए सो so, जनरली यही रीज़न है आपके टास्क uh, वन लिखने के पीछे कि आप वेरिएशन्स नहीं उसमें ऐड करते क्लियर वेन एवर यू स्टार्ट टू एड दी वेरिएशन इन योर टास्क वन डेफिनेटली यू विल गेट दी सेवन और सेवन प्लस इन टास्क वन क्लियर सो so गाइज़ मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूँ uh, कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं लाइक like, uh, वो थोड़ी सी वीडियो देखेंगे स्किप करेंगे फिर आगे एक सेंटेंस देखेंगे फिर स्किप करेंगे फिर देखेंगे है ना सो so, अगर आपने ऐसे स्किप करके देखनी है सो गाइज़ नेवर माइंड ठीक है सो so, uh, आप यहीं पे वीडियो को छोड़ सकते हो अगर आपने स्किप करके ही देखनी है ओके okay. अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है फुल वॉच करनी है तो आप देखें पूरी वीडियो तो तभी आपको बेनिफिट लगेगा इस वीडियो का अदरवाइज़ कोई बात नहीं ठीक है आप छोड़ भी सकते हो अगर आपने फुल वॉच ही नहीं करनी सो so, गाइज मैंने आपको एक बात बतानी थी uh, कई स्टूडेंट्स ये भी करते हैं लाइक वो वीडियो तो देखते हैं ठीक है तो उसके ना स्क्रीन लेने लग लग जाते हैं तो so, आपने स्क्रीन नहीं लेने डेफिनेटली यू विल गेट सेवन और सेवन प्लस इन राइटिंग ठीक है सो आपने पेन अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठने और नोट करने हैं पॉइंट सारे ठीक okay, so so है ओके सो लेट्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कनाडा वेंट अमेरिका फॉर एकेडमिक दो हजार दस की बात है तेईस परसेंट स्टूडेंट जो है कनाडा के वो अमेरिका गए हुए हैं फॉर द एकेडमिक पर्पज यानी कि फॉर द स्टडी पर्पज और अगर हम इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें कि हमने यही सेंटेंस लाइक like इसी तरीके का डेटा बार बार अपने टास्क uh, वन में ऐड करना है सो so, हम उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसिस में वेरिएशन कैसे ऐड करेंगे सो रीड द फर्स्ट सेंटेंस ट्वेंटी परसेंट कैनेडियन लर्नर्स विजिटेड दू एस विद द एम ऑफ स्टडी इन टू थाउजेंड टेन सेकेंड इज दर्सेंटेज ऑफ कैनिडियन टूटीजेंटी इन अमेरिका फॉर द स्टडी पर्पज इन टू थाउजेंड टेन थर्ड सेंटेंस इज स्टूडेंट फ्रॉम कैनेडा पेड अजिट टू अमेरिका इन टू थाउजेंड टेन फॉर स्टडिंग विच वो वॉज ट्वेंटी थ्री परसेंट देखो ऊपर हमने सिर्फ एक सेंटेंस डिस्कस किया था तीन सेंटेंस उसकी ये वेरिएशन होगी ठीक है हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज के साथ अपना सेंटेंस लिखा सो यू हैव टू डू द सेम थिंग ओके फोर्थ रीड करते हैं कैनेडियन लर्नर्स प्रेफर्ड गोइंग टू अमेरिका फॉर द स्टडी परपज इन टू थाउजेंड टेन द रेलिटिव फिगर वॉज ट्वेंटी थ्री परसेंट फिफ्थ इज फ्रॉम कैनेडा ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स वो आर इंटरेस्टेड फॉर स्टडिंग इन अमेरिका अमेरिका लिख सकते हो यू एस ए लिख सकते हो ठीक है आप और रिमेंबर दैट कि यूएस के साथ हमेशा हमेशे ही आपने द लिखना है सो रीड दी नेक्स्ट सेंटेंस अमेरिका विजिटेड अमेरिकाटी थ्री कैनेडियन स्टूडेंट्स इन टू थाउजेंड वन इज एकेडेमिक वॉज कंसिडर्ड बाई ट्वेंटी थ्री परसेंट कैनेडियन स्टूडेंट्स इन टू थाउजेंड टेन इन अमेरिका द लास्ट सेंटेंस इज visiting america was considered by 23% canadian students in 2010 for the academic purpose or you can write for the study purpose both are same so guys this is all about today's video this is all about the variations that you can add in your task 1 in any type of data clear सो गाइज आपने आपका आज का टास्क है सो योर टूडेज टास्क इज़ लाइक आपको सिमिलर टाइप से एक सेंटेंस ठीक है जो हमने नई वेरिएशन ऐड की ठीक है एक सेंटेंस आप खुद बनाओगे और पुट इन द कमेंट सेक्शन आई विल चेक ठीक है सो so, आपने ट्राई करनी है कि आप सेंटेंस एक जरूर बनाओगे और आप कमेंट सेक्शन में बाकियों को भी बताओगे क्लियर सो दिस इज़ टूडेज टास्क ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फेस एनी क्वेरी Any doubt in any type of variation? You can ask me in the comment section.